दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों कर्ण नागास्त्र का उपयोग नहीं करते थे। अब इसके पीछे क्या कारण था, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध निकट था, तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने के लिए आई और उसे उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञात करवाया। अब वहां वो उसे बताती है कि वह उनका पुत्र है और ज्येष्ठ पांडव है। वो कर्ण से कहती है कि वो स्वयं को कुंती पुत्र कहे, ना कि राधे। इस पर कर्ण उत्तर देते हैं कि माते, मैं चाहता हूँ कि सारा संसार मुझे राधे के नाम से जाने, ना कि कुंती के नाम से। अब कुंती कहती है कि वो पांडवों की ओर हो जाए और वो उसे राजा बनाएंगे। लेकिन तब कर्ण कहते हैं कि बहुत वर्ष पूर्व उस रणभूमि में यदि उन्होंने उसे कौंतेय कहा होता, तो आज स्थिति बहुत ही भिन्न होती। पर अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब ये संभव नहीं है। अब वो आगे कहते हैं कि दुर्योधन उनका मित्र है और उस पर बहुत विश्वास करता है, और वो उसके विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वो माता कुंती को ये वचन देता है कि वो अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ने ही एक दूसरे के वध करने का प्रण लिया हुआ था, और इसलिए दोनों में से किसी एक की मृत्यु तो निश्चित थी। वो कहता है कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उसमें या अर्जुन में से कोई एक। अब कर्ण अपनी माता से निवेदन करता है कि वो संबंध और जन्म की बात को उसकी मृत्यु तक रहस्य रखे। अब इसके बाद कुंती कर्ण से एक और वचन मांगती है कि वो नागास्त्र का उपयोग केवल एक ही बार करे। अब कर्ण ये वचन भी कुंती को दे देता है, और अब पाणीश्वर बाहर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण एक बार भी नागास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या आपको पता है कि कर्ण की मृत्यु के समय हनुमान जी उसे मारने के लिए दौड़े थे? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर क्लिक कीजिए।